तो दोस्तों ये जो हैंड फीड पर मैंने चिक्स उठाए हैं ये वो चिक्स हैं जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि बारिश ने जो हमारे सेटअप में मेरी सेटअप में क्या कई जगह ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा हूं बता रहा हूं कि हमारे सेटअप में जो बर्ड्स ब्रीड पर थे उनके कुछ बच्चे जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। तो और मौसम इतना वैसा हो गया है कि बर्ड्स ने अंडों पर बैठना छोड़ दिया, चिक्स को देखना खिलाना फीड कराना बंद कर दिया, तो इसलिए मैंने ये उठाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रेश ब्यूटीफुल बर्ड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एज ब्यूटीफुल बर्ड्स पर। तो दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन, जिससे आपको मिलता रहेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये वो चिक्स हैं जो मैंने हैंड फीड पर उठा लिए हैं, क्योंकि मौसम इतना गड़बड़ कर रहा है जो कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, तो मुझे मजबूरी में ये चिक्स उठाना पड़े। और आप देख सकते हैं हेल्दी चिक्स हैं, आपस में देखिए आप खेलते हुए आपको दिख रहे होंगे। मैंने इनको फीड भी करा दिया है इस टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूँ कि मैंने ये चिक्स हैंड फीड पर उठाए हैं। और भी चिक्स अभी हैं केज में सेटअप में, तो अगर उनके भी पेरेंट्स माँ बाप उनको फीड नहीं कराएंगे तो उनको भी मैं हैंड फीड पर ले लूँगा। मौसम इस तरह का हो गया दोस्तों, तो ज़्यादातर अंडे तो छोड़ ही दिए थे जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि बर्ड्सी ने एग अपने छोड़ दिए थे। तो मौसम की ऐसे अचानक से जो तब्दीली आई है, बदलाव आया ठंडा गर्म, तो उसके मारे ये सब हुआ है। तो दोस्तों ये है हैंड फीड फार्मूला जो मैं इनको यूज़ करा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, जिससे फीड करा रहा हूँ। पेट्स लाइफ का ये हैंड फीड फार्मूला है। इसमें ये सभी बर्ड्स के लिए होता है, इसमें A3 और काफ़ी सारे विटामिन और सब कुछ है। तो मैं यही यूज़ करता हूँ, इससे अच्छे भी और भी आते होंगे, वैसे मैं यही यूज़ करता हूँ शुरू से, तो मैं यही दे रहा हूँ। तो कैसे देता हूँ ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं एक चम्मच इस टाइम फुल चम्मच दे रहा हूँ, तो मैंने कटोरी में पहले कुछ निकाल लिया था, तो मैं उसमें थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं अभी जो ये इसमें एक है चम्मच, ये करीब 5 ग्राम से ऊपर का है, मैं इसको इसमें डाल देता हूं। और ये जो सिरिंज है, ये मेरे पास फीडिंग ही सिरिंज है, ये फीड कराने वाली होती है, तो मैं उससे ही इसको फीड कराता हूं। आसानी काफ़ी रहती है इसे फीड कराने में, तो मैं करीब 10 ml पानी इसमें मिला लेता हूं। और पानी इस हिसाब से मिलाइए कि ना ज़्यादा पतला हो ना गाढ़ा, और गर्म पानी आप इसमें मिलाइएगा, जितना कि हम लोग चाय पीते हैं गुनगुनी सी, तो वैसा ही रहना चाहिए। ठंडा मत बिल्कुल भी फीड कराइएगा, जिससे बच्चों को सर्दी लगे और उनको नुकसान पहुंचे। तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे कटोरी में, ये इतना हैंड फीड फार्मूला मैं इस तरीके से इतना गाढ़ा रखता हूं कि वो आराम से फीड कर सकें, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ही पतला हो, जिससे कि बिल्कुल पानी पिला दें। तो इस तरीके से ये देखिए आप, अभी मैं इनको दिखाऊंगा सर, ये देखिए इसको खाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए। तो अभी मैंने इनको उठाया है हैंड फीड पर, तो पहले भी मैंने इससे साल से पहले भी मैंने कई बार 1, 2, 4 ऐसे चिक्स हैंड फीड कराए हैं, तो मुझे तजुर्बा है थोड़ा बहुत, तो मैं इसलिए हैंड फीड पर उठा लिया था। तो ये देखिए आप कितने ये दाना मांग रहे हैं, मैंने उनके जब मुँह पर हाथ को लगाया तो ये देखिए आप ये दाना मांग रहे हैं, तो ये भूखे हैं। तो देखिए अब इनको मैं फीड कराऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत आसान होता है दोस्तों फीड कराना,
ये जो इनका अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इनको पकड़ना चाहिए। मैं तो नॉर्मली नीचे बैठा कर ही इनको फीड करा देता हूँ, लेकिन ये देखिए आप इनके जो ये इस साइड से आप सिरिंज को बिल्कुल हल्के से अंदर कर और बिल्कुल नॉर्मली फीड करा सकते हैं। और जिस तरीके से मैं कराता हूँ, मैं इस तरीके से कराता हूँ, ये बैठे हुए थे उसमें आराम से मैं सिरिंज अंदर कर और इनको कर देता हूँ। मैं एक प्रॉपर इस पर वीडियो बनाऊँगा आगे चल के कि कितनी सिरिंज जाना चाहिए, कितना क्या मिलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब भी बताऊँगा। लेकिन अभी मैं फीड करा रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँ। देखिए अब इनका पोटा बिल्कुल भर गया है, पेट भर गया है और इनको फीड मैंने करा दिया है। हाल लेते हैं, ये सिरिंज से बहुत आसानी होती है। ये आप देख रहे होंगे जो मेरे सीधे हाथ में हैं, आपके तरफ उल्टा हो रहा होगा, लेकिन मेरे सीधे हाथ में जो बर्ड है वो अभी फीड नहीं करा हुआ है, जो उल्टे हाथ में है वो फीड करा हुआ है। तो अब मैं इसको भी फीड करा दूँगा और बहुत ही आसानी से फीड करा देता हूँ मैं इनको, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। और अभी तक आप देख रहे होंगे हेल्दी चिक्स हैं, ये फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए तो करीब इनको मैं 5 से 8 ml तक खिला देता हूँ। और दिन में मैं अभी इतने बड़े चिक्स हैं तो मैं कम से कम इनको दिन में 3 बार फीड करा रहा हूँ। और आसानी से देखिए कितने आसानी से ये खा लेते हैं, कोई भी इन्हें दिक्कत नहीं हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इनको फीड करा दिया है, अब ये देखिए इसका भी पेट भर गया है। देखिए कितने आराम से वो दूसरा वाला भी लेटा हुआ है। अभी मैं दोनों आपको दिखाता हूँ कि देखिए दोनों एकदम फिट एंड फाट हैं, बढ़िया है, मज़े में हैं। और मजबूरी थी उठाना, क्योंकि अगर मैं नहीं उठाता तो इनके साथ का जो एक चिक्स था वो एक्सपायर कर गया है। ये हमारे चिक माउस और मोब फिशर के बच्चे हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए हैं कि ये हैं। देखिए हेल्दी जो मैंने हाथ में लेके दिखाए थे, बस मौसम की ख़राबी के चक्कर में हुआ ऐसा, नहीं तो आप लोग को ने देखा होगा कि वो भी कितने अच्छे से खाए हुए। मैं इसमें एक बल्ब लगाया हुआ हूँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिससे इनको सर्दी ना लगे। नाइट बल्ब है 0 पॉइंट वाला, उसको मैंने लगा रखा है जिससे उनको गर्मी मिलती रहे और उनको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए अब आपस में भी खेल रहे हैं, जैसे दाना मांगते हैं माँ बाप से वैसे ही कर रहे हैं। तो अब दोस्तों आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, एक आध बार और दिखाऊँगा, इनकी वीडियो डाल दूँगा जिससे आपको पता चले कि अब ये कितने बड़े हो गए हैं, कैसे चल रहा है इनका। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारे सेटअप में अब ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हो, बज्जी वाले जो होते हैं, बजरी वाले अंडे, वो भी ख़राब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन हौसला नहीं हार रहा हूँ। आप लोग बस कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि आप लोग हौसला बनाए रखेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी हमारी। और बर्ड लवर को अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, जिससे कि आपको कोई ऐसा लगे कि अब करना बंद कर दें वीडियो। तो दोस्तों यही वीडियो थी हमारी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना ढेर सारा प्यार हमको देते रहें। आज थोड़ा बुरा लगा लवबर्ड्स का सेटअप ऐसा रहा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हैंड फीड पर हैं, अब इंशाल्लाह चलते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।